नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज लेके आया हूँ बहुत ही मस्त सब्जेक्ट, इसका नाम है फार्मास्यूटिक्स। और आज फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, यानी कि पैकेजिंग एंड मटेरियल। तो देखिए, इस वीडियो में पैकेजिंग और मटेरियल से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके हैं, क्वेश्चन हैं, सब क्लियर कराने वाले हैं। तो वीडियो के बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। आइए देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पहली बात, पैकेजिंग मतलब क्या होता है। पैकेजिंग क्या होता है, किसी भी चीज को पैकिंग करते हैं हम लोग, यानी कि उसको किसी चीज में स्टोर करते हैं। गए हम दुकान पे चीनी लेने, ठीक, तो चीनी को क्या किया उसने, पॉलीथीन में दिया। तो पॉलीथीन क्या है वहां पे, उसने उसमें पैकेज कर दिया, पैकेजिंग कर दिया पॉलीथीन में, ठीक। तो पैकेजिंग एंड मटेरियल्स पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी में, हमारे फार्मास्यूटिकल्स में क्या होते हैं कि कुछ ड्रग्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं, लोशन, इमल्सन, ठीक है, इस सब भी प्रोडक्ट जो होते हैं, इन सब का भी पैकेजिंग किया जाता है, ठीक है। उसी का हम लोग पढ़ेंगे कि पैकेजिंग किस चीज से किया जाता है, कौन सी चीज में पैकेजिंग किया जाता है, और क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मीन्स प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कंटेनमेंट, कन्वीनियंस एंड कंप्लायंस, इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, कहने का मतलब ये है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कैप्सूल, सिरप, इमल्सन, क्रीम, ये सब जितने फार्मास्यूटिकल वो होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको पैकेजिंग किया जाता है, ठीक है। और पैकेजिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके जो थेरेप्यूटिक जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसको अच्छे से किया जाए, उनका केमिकल रिएक्शन ना हो, वो डैमेज ना हो, ठीक है, इसके लिए हम लोग उसका पैकेजिंग करते हैं, वो खराब ना हो, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। अगर हम किसी चीज को डिब्बे में, अच्छी ये मानिए कि ये हमारा मार्कर है, ठीक, और मार्कर को इसमें जो अंदर इंक है, यहाँ पे लिखा है ना, इसमें पैक है अंदर इंक, ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, पैकेजिंग है। तो पैक है तो इस पे ये आइडेंटिफिकेशन कर रहा है ना, और इंक का हम प्रोटेक्शन कर रहा है ना, तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कंटेनमेंट, कन्वेंस, कंप्लायंस, स्टेबिलिटी एंड ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, स्थिरता को बनाए रखता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इसमें देखते हैं कि पैकेजिंग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक, यानी इतनी में कहेंगे उसको प्राथमिक पैकेजिंग। दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी कि माध्यमिक, और तीसरा होता है टेरिटरी। देखिए, प्राइमरी में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक टूथपेस्ट है, ये भी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक, सेंसोडाइन है। तो इसमें देखिए, जो हमारा अंदर टूथपेस्ट है, ठीक, वो इसमें जो पैक है, तो इसका जो पैकेजिंग है, जो प्लास्टिक है, ये उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा पैकेजिंग होगा, ये होगा प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग कौन से होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, जिसके रैपर जो होते हैं उसमें वो कनेक्ट रहता है, यानी कि हम जो कैप्सूल्स लेते हैं वो कैप्सूल्स उस रैपर में टच रहता है, वो होगा हमारा प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो देखिए, मान लीजिए प्राइमरी पैकेजिंग जो हम लोग वो प्रोडक्ट के पास में जो है, जो उससे टच है, वो हमारा प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हो गया, उसके बाद प्राइमरी के सेकेंड वाला, यानी कि मान लीजिए इसके अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर रैपर है, रैपर के बाद ये इसमें टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। और जो हमारा थर्ड आता है टेरिटरी, वो होता है हमारा, मान लीजिए कि अगर हम कहीं से बिग ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई टैबलेट मंगवाते हैं, तो क्या होता है, उसको उसमें डब्बा में पैक करके आता है, ठीक है, या कूड में पैक करके आता है, ठीक। उससे क्या होता है कि वो जो हमारा है वो टेरिटरी, वो थर्ड, वो लास्ट, और उसको क्या करते हैं कि बेचने से पहले उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो वो टेरिटरी पैकेजिंग हो गया। ये तीन प्रकार के पैकेजिंग होते हैं। आज ये देखते हैं कि पैकेजिंग में कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। आइए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स कौन से होते हैं। पहला है ग्लास, दूसरा है प्लास्टिक, मेटल और रबर। ये जो चार टाइप आपको दिख रहे हैं, इसी में हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उसको पैकेजिंग किया जाता है, ठीक है। ग्लास में कौन कौन से आते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। प्लास्टिक में कौन कौन से होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग।
मेटल्स में टीन, एल्युमिनियम और लीड, ये सब का हम लोग यूज करते हैं। रबर्स में आ जाते हैं नेचुरल रबर, सिलिकॉन रबर, बुटाइल रबर, नियोप्रेन रबर और नेट्राइल रबर। ये सब जो है कौन से हमें यूज करते हैं, जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, यानी कि टैबलेट हो गए या इमल्सन हो गए, सिरप हो गए, उस सब को जिस चीज में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, वो सब ये सब मटेरियल्स हैं, किस चीज में हम लोग उसको पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग एडवांटेज की। ठीक है, पहले एडवांटेज क्या है ग्लास का। ग्लास को अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस को या ड्रग को अगर हम ग्लास के मटेरियल में उसको पैकेजिंग करते हैं, यानी ग्लास के बॉटल में अगर उसको हम रखते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ है। पहला लाभ तो ये है, उसमें हवा, एयर जो होता है वो एयर रेजिस्टेंट, हवा वो इसमें इधर उधर नहीं आएगा। दूसरा है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तीसरा है कि वो भारी रहता है। ठीक है, और चौथा ये उसका एडवांटेज है कि वो ज़्यादा मतलब पैसे का नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है, यानी कि कहीं भी मिल जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब बात करते हैं उसके डिसएडवांटेज, यानी उसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, ग्लास के नुकसान ये है, यानी कि वो जल्दी, पहली बात कि अगर ग्लास हल्का सा कहीं गिर गया तो टूट जाएगा। ठीक है, दूसरी एडवांटेज क्या है कि वो भारी होता है। अगर हमको 10 बॉटल कहीं से लाना होगा तो उठाएंगे तो भारी रहेगा, किसके कंपेयर में, प्लास्टिक के कंपेयर में। ठीक है, ये उसके डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं प्लास्टिक के एडवांटेज की। प्लास्टिक के एडवांटेज कौन कौन से हैं। देखिए, प्लास्टिक का एडवांटेज ये है, प्लास्टिक, पहली बात अगर हम प्लास्टिक में किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग को रखते हैं, ठीक, तो क्या होगा कि पहले तो हल्का रहेगा प्लास्टिक, दूसरा क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, यानी कि ये भी सस्ता में मिल जाता है। तीसरा क्या रहेगा कि इसका डिजाइन हम जैसा शेप में चाहेंगे वैसा बनवा सकते हैं प्लास्टिक में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के। तो डिसएडवांटेज इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज इसके ये है कि अगर इसको ज़्यादा कहीं प्रकाश में रख दिया जाए, यानी कि ज़्यादा खुले वातावरण में इसको रख दिया जाए प्लास्टिक को, तो ये क्या करता है कि ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि अगर ज़्यादा कहीं किसी पर रखे प्लास्टिक में तो ये क्या है, धूप अगर लेगा ज़्यादा तो केमिकल रिएक्शन भी करवा देता है। ठीक है, ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेटल्स की। मेटल्स की एडवांटेज क्या है। देखिए, मेटल्स के एडवांटेज ये हैं कि अगर हम किसी चीज को मेटल के बने हुए कंटेनर में रखते हैं तो क्या होगा कि वो पहली बात तो एयर रेजिस्टेंट होगा, यानी कि उसमें हवा पास थ्रू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इसके मुताबिक प्लास्टिक और ग्लास के ये ज्यादा दिन तक टिकेगा। ठीक है, और दूसरा इसका बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये केमिकल रिएक्शन भी कर लेता है बहुत जल्दी। तो ज्यादातर देखे होंगे आप लोग प्लास्टिक और ग्लास दो चीजों में ही ज्यादातर क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं वो आते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।